फोटोज बिकम ईजियर टू बी क्लिक व्हेन वी हैव प्रॉप्स, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कोई यू नो प्रॉप्स वगैरह नहीं होता है. तब हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि हाथ को कैसे रखे, कहाँ रखे, यू नो वगैरह वगैरह. ऐसे रखे यू नो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें जब प्रॉप्स नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम अगर मैं तुम्हें यू नो एक बुक दे दूँ और कहूँ कि तुम इसके सहारे एक अच्छी सी फ़ोटोज़ खींच के बताओ, तो तुम एक क्या 10 खींच लोगे अच्छी ऐसी फ़ोटोज़ लाइक दिस. यू नो पॉसिबिलिटीज बिकम एंडलेस व्हेन वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉप्स लाइक एनी काइंड ऑफ बुक. का तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए. सो टुडे आई हैव कम अप विथ सम रियली कूल सिंपल बट गेम चेंजिंग टिप्स टू फ्लॉन्ट योर हैंड्स एंड लेग्स नो मैटर वेदर यू हैव एनी प्रॉप्स आर नॉट. But before starting the video, if you are new here, then let me introduce myself. I am Ritishmita and I make videos on fashion, lifestyle and fun videos sometimes also. So without wasting any more time, let's get into the video. So the first point I'm going to tell you is just be yourself and do not restrict yourself. Hum hamesha aisa hi karte hain ki jab bhi hame photos khichwane hote hain, we keep restricted ourselves in just, you know, 3 to 4 poses. बात वही तो गलत होता है, वही तो नहीं करना होता है. खुल के मूव करो यार कैमरे के सामने. डू वट एवर मूवमेंट्स यू वॉन्ट टू डू एंड लेट द पर्सन टेक एटलीस्ट 5 to 10 पिक्चर्स ऑफ यू, ताकि तुम बाद में उसमें से बेस्ट में से बेस्ट फोटोज़ को चूज कर सको. यू नो इज इट नॉट दैट सिंपल. द सेकेंड टिप इज यूज बर्स्ट मोड. अगर तुम्हारे पास आईफोन है देन ऑलरेडी तुम्हारे कैमरे के डिफॉल्ट मोड में ही बर्स्ट मोड ज़रूर होगा. और आजकल तो नए एंड्रॉयड फ़ोन में भी बर्स्ट मोड होता ही है. बट अगर तुम्हारे एंड्रॉयड फ़ोन में बर्स्ट मोड नहीं है देन कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना. प्ले स्टोर में आपको एक ऐप मिल जाएगा पिक्सटिका, उसको डाउनलोड कर लीजिए. और उसके बाद क्या है ना, मस्त से हवा में उड़ता हुआ दुपट्टा फूल खींचते रहिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चार चांद लगाते जाइए. अच्छे काम में इंस्पिरेशन कौन नहीं लेता यार, लाइक स्टडी में हो, काम में हो, या फिर इवन फोटोज़ खिंचवाने में हो. यस, हमारा थर्ड पॉइंट है टेक इंस्पिरेशन. जस्ट गो थ्रू एनी सोशल मीडिया यू हैव लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इवन पिंटरेस्ट. उसमें से जो जो पिक्चर्स आपको अच्छा लगे, लाइक आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो, कोई भी, वो सारे पिक्चर्स आप गैलरी में सेव कर लीजिए, ताकि जब बाद में आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाएं तो उस फ़ोटोज़ को एक बार देख लीजिए, उसमें से इंस्पिरेशन ले लीजिए और उसके बाद फ़ोटोज़ खींचिए. और हाँ, मैं इंस्पिरेशन लेने के लिए बोल रही हूँ, उसको कॉपी करने के लिए नहीं. लाइक तुम उसमें से इंस्पिरेशन लो, उसमें अपना नया स्टाइल डालो और उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा एक नया यूनिकनेस और तुम्हारा खुद का स्टाइल जिसके लिए तुम बनोगे. और फोर्थ पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आर फोर्थ पॉइंट इज मेक योर वीकनेस द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन. यस, इसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें अपनी ही एक खुद की कहानी बतानी होगी. लाइक 2-3 साल पहले मैं जब भी फोटोज़ खिंचवाया करती थी, पता नहीं कैसे यार, मैं हर फोटो में अपनी आँखें बंद कर लेती थी. एग्जाम्पल खुद देख लो. यस, अनजाने में हो या पता नहीं क्यों, आंखें हमेशा मेरी बंद ही रहती थी. लाइक मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ. यस, तो बाद में ऐसा हो गया कि मुझे जब भी यू नो फ्रेंड्स वगैरह फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था अपने आप पर ही. पर धीरे धीरे लेटर मैं जब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे पता चला कि हाँ, आँखें बंद करके भी अच्छी से अच्छी एस्थेटिक फ़ोटोज़ खिंचवाया जा सकता है. बस उसके साथ पोज मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी भी पोज के साथ तो आँखें बंद नहीं कर सकती. लाइक मैं खड़ी हूँ और ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि एकदम से पॉसिबल ही नहीं है आँखें बंद करके फ़ोटोज़ खिंचवाना. तो क्या तो मेरी तरह तुम लोगों के पास भी कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होगा फ़ोटोज़ अच्छी ना आने का या ना खिंचवाने के मन करने का.
सो बस तुम्हें उसी पर रिसर्च करना है, उसी पर काम करना है और उसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाना है. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. आवर फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आई नो टेकिंग पिक्चर्स इज नॉट मैथमेटिक्स बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट. सो अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है और अगर तुम स्टूडेंट हो, आई मीन बाहर जॉब नहीं करते हो, तो लाइक तुम अभी फ्री ही होगे, राइट. सो तुम्हें बस क्या करना है, जब भी तुम बोर होते हो तो मिरर के सामने जाना है, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस ट्राई करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ट्राई करने हैं और देखना है कि तुम किस एंगल में, किस पोजेस में सबसे बेस्ट दिखते हो, यू नो. बस तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो वही ख़त्म हो जाएगी, लाइक सीरियसली. आवर सिक्स्थ एंड लास्ट टिप इज बोनस टिप. नाउ व्हाई बोनस टिप? क्योंकि इस टिप में मैं आपको कुछ ऐसे पोजेस दिखाने वाली हूँ, सिटिंग पोजेस एंड स्टैंडिंग पोजेस, जिसके सहारे तुम हमेशा अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हो. लाइक अगर तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लाइंड हो जाए ना कि यहाँ पे कौन सा पोज करे, क्या पोज करे, तुम इस पोज के सहारा, इस पोज का सहारा ले सकते हो जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाली हूँ. लाइक ये पोजेस ना हमेशा काम करते हैं, हमेशा अच्छे दिखते हैं. ये वो कहते हैं ना कि एवरग्रीन, वो वाले पोजेस. सो ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी अ स्टैंडिंग पोज, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे एकदम स्टेडी नहीं रहना है, तुम्हें मूव करना है, लाइक दिस दिस, यू नो, मूव करते रहना है और अपने हाथों को, अपने पैरों को अलग अलग पोजेस में, अलग अलग एंगल में रखना है और फोटोज नॉन स्टॉप खिंचवाने हैं. लाइक तुम अपने हाथों को ऐसे सॉफ्टली अपने बालों में रख सकते हो, वेस्ट में रख सकते हो और एक पैर को आगे रख के एक हाथ से दूसरे हाथ को स्लाइटली पकड़ सकते हो, ज्वेलरी से प्ले कर सकते हो, सनग्लासेस या स्पेक्स, किसको, कोई भी टाइप के स्पेक्स के साथ प्ले कर सकते हो, अपने बालों के साथ प्ले कर सकते हो और ऐसे साइड में देख सकते हो, फ्लिप हेयर पोजेस दे सकते हो. लाइक तुम्हें उस टाइम में जब कैमरा ऑन हो जाए, उस टाइम में तुम्हें जो भी मन करे वो सारे पोजेस, ऐसे वो सारे मूवमेंट तुम करो, बस करते रहो और फोटोज खिंचवाते रहो, है ना, मूव करते जाओ बस. देखना यार, आई अश्योर यू कि दो तीन पिक्चर्स तो तुम्हारी बेस्ट आ ही जाएगी. ऐसा हो सकता है कि पहले पहले ऐसा ना हो, बट बाद में ना तुम एक्सपर्ट बन जाओगे सच्ची में. सिमिलरली स्टैंडिंग पोजेस के साथ भी कुछ ऐसा ही फंडा काम करता है. सो आई डोंट थिंक कि मुझे अब ज़्यादा पक पक करने की ज़रूरत है, तुम खुद ही देख लोगे और तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा. सो चले देख लेते हैं. Guys, that is it for today. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और कुछ सीखने को मिला, देन लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती आऊँगी. सो डू नॉट मिस द चांस एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे फैशनेबल.